सपने में भगवान को देखना एक आम बात नहीं है और भगवान जल्दी सपने में नजर भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर ये सपने में किसी को दिखाई दे दें तो इसके कई मायने होते हैं। अक्सर भगवान को सपने में देखकर लोग भाव विवहल हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान जरूर किसी खास मकसद से उनके सपने में आए होंगे। उनका ऐसा सोचना सही भी है, क्योंकि भगवान एक बड़ा संकेत दे रहे हैं अगर वो सपने में नजर आ रहे हैं तो। लोगों को सपना आना एक आम बात है और कई लोगों को तो सपने में ऐसी चीजें नजर आती हैं कि उनके लिए उनका सीधा सीधा अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अक्सर लोग सपने में वही देखते हैं जो उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है या जिसके बारे में वो रोज बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ऐसे में जब लोग सपने में भगवान को देखते हैं तो भगवान को देखना सामान्य बात नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान के बारे में ना आप सोचते हैं और ना ही उन्हें कुछ करते देखते हैं। भगवान का स्वयं कोई हरकत करना आपको केवल कल्पना में नजर आ सकता है, तो यह एक बेहद खास घटना बन जाती है और इस तरह के सपनों के कई मायने निकलते हैं। आइए जानते हैं भगवान को सपने में देखना शुभ है या अशुभ। भगवान को सपने में देखना हमेशा शुभ होता है, बशर्ते आप उनका कोई रौद्र रूप ना देख रहे हो या फिर उन्हें विनाश या क्रोध करते ना देख रहे हो। अगर आप ऐसे रूप में किसी भगवान या देवी देवता को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे गुस्सा है। लेकिन अगर आप उन्हें शांत, सौम्य या फिर कुछ दूसरा काम करते देख रहे हैं तो वो शुभ संकेत है। ऐसे सपने देखना आपके जीवन में खुशियां, उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य लेकर आता है। सपने में भगवान की पूजा करना। कई लोग सपने में भगवान की पूजा करते खुद को देखते हैं। ऐसे सपने देखने का अर्थ यह है कि आपके मन में कोई उथल पुथल चल रही है जिससे आपको जल्द ही शांति मिल जाएगी। अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी का हल भी मिल जाएगा। सपने में भगवान की आरती करना। सपने में अगर भगवान की आरती करते देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि परिवार में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे और परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। सपने में भगवान की आरती करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। सपने में भगवान की मूर्ति देखना। सपने में भगवान की मूर्ति देखने का अर्थ यह है कि इंसान की कोई पुरानी इच्छा है जो शायद किसी वजह से अधूरी रह गई है तो वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगर कोई आपका रुका हुआ काम है तो वो भी पूरा हो जाएगा। सपने में भगवान से बातें करना। इंसान दुखी होता है तभी मन ही मन भगवान से बातें करने लगता है और अपनी परेशानी के बारे में बताता है। यदि कोई इंसान सपने में भगवान से बातें करता खुद को देखता है तो इसका मतलब है कि वो बड़ी परेशानी में है और भगवान से अपनी दुविधाओं का हल मांग रहा है। सपने में भगवान को प्रसाद चढ़ाना। अगर किसी इंसान ने जीवन में कोई परीक्षा दी है और उसका परिणाम आने वाला है तो इस इंसान को यह सपना आता है। सपने में भगवान को प्रसाद चढ़ाने का अर्थ यह है कि इस परीक्षा में वो अच्छे परिणाम से पास हो जाएगा, उसे डरने की जरूरत नहीं है। सपने में भगवान का नाम लेना। जिस इंसान को सपने में भगवान का नाम लेता दिखता है इसका अर्थ यह है कि उस इंसान के परिवार का कोई सदस्य बीमार है और यह सपना उसके स्वास्थ्य सलामती की दुआ करने और उसे पूरा होने का संकेत है। सपने में भगवान की टूटी हुई मूर्ति देखना। सपने में भगवान की खंडित मूर्ति देखना यह अशुभ सपना है। इस सपने का अर्थ यह है कि कोई दुर्घटना होने वाली है या आने वाले दिनों में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। सपने में भगवान की सोने की मूर्ति देखना। यह सपना इंसान की किस्मत सोने की तरह चमका सकता है। इस सपने का अर्थ यह है कि आपको जल्द ही कोई बड़ा कार्य मिलने वाला है और समाज में मान सम्मान मिलने वाला है। सपने में भगवान को लड्डू खिलाना। यह सपना आपको संकेत देता है कि आपको नए कार्य में कामयाबी मिलने वाली है और आने वाले दिनों में सफलता मिलने वाली है। यह सपना कार्य में वृद्धि होने का इशारा करता है। दोस्तों, क्या आपने भी भगवान को सपने में देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।